हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्ट एक्सपेरिमेंट्स। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक बैटरी से चलने वाली एक इमरजेंसी लाइट को आप डायरेक्टली करंट से चला पाएंगे। तो ये देखिए, मेरे पास है एक इमरजेंसी लाइट जो कि बैटरी से चलता था और एक सोलर पे चार्ज होता था। ये देखिए, इसके ऊपर सोलर पैनल है। तो ये देखिए, इसके अंदर एक USB पोर्ट भी है क्योंकि ये USB से भी चार्ज होता था। और इसका बैटरी है तो ये अभी ख़राब हो चुका है, पर इसका जो LED का जो पोर्शन है, ये देखिए LED का जो लाइट है, ये अभी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, हम इसको पूरा तरह से ओपन ही है, इसका जो बैटरी का जो पार्ट है, हम इसको पूरी तरह से खोल देते हैं क्योंकि हमें इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और आप ये जो देख पा रहे हैं, एक सर्किट बोर्ड है। और इसके जो अंदर वाला जो हिस्सा देख पा रहे हैं, ये जो दो वायर आप देख पा रहे हैं, ये सोलर से चार्ज होता है। तो हमें इसको भी इसका भी हमें कोई ज़रूरत नहीं। और इसके अंदर जो ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं, ये LED से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ से इसको निकल रहे हैं क्योंकि हमें इस सर्किट बोर्ड का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली करंट पे चलाएंगे। तो इसको हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हम इसकी ज़रूरत हो गई। और हम ये दो वायर को निकाल जरूर सकते हैं। तो हमने इसको से निकाल दिया। आप देख पा रही है, ये पूरा अलग हो चुका है। चलिए, अब हम इसको वापस इसके अंदर डाल रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि इसका जो बैटरी है, इसका आउटपुट का जो वोल्ट है कितना था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 4 वोल्ट 1.6 एम्पियर। स्टैंड बाई यूज़ में इसका 4.50 से 4.60 वोल्ट तक के आउटपुट देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली करंट पे चलाएंगे। तो अब जो देख पाए, इसका LED का जो है, ये 4.5 से 4.6 वोल्ट तक ही लेगा। तो इसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है, इसका नाम है SMPS। आप ये देख सकते हैं, एक SMPS है। इसका जो काम है कि ये जो AC का ऑल्टरनेटिंग करंट जो है होता है, डायरेक्टली करंट इसको DC में कन्वर्ट करता है। और आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसका इनपुट करंट है, इसका प्लग पॉइंट है, और इसका इनपुट पॉइंट है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव है, और ये अर्थिंग के लिए है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, स्क्रू है इस टाइप का, जिस स्क्रू में से आप इसका जो आउटपुट जो वोल्ट से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना वोल्ट आउटपुट होना चाहिए। तो मैंने पहले ही मल्टीमीटर से माप के मैंने 4.5 वोल्ट पे सेट करके रखा है। तो आपको इसमें ज़रूर चेक करना चाहिए एक बार। तो आपको इसमें जो स्क्रू है, आप मल्टीमीटर से आप ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा कि क्योंकि कितना आउटपुट देता है। और चलिए, अभी हम क्या करेंगे कि इसका जो आउटपुट का जो वायर्स है, मैं ये जो LED का हिस्सा है, तो इसको हम हट सकते हैं। और इसका जो सबको मैं हटा रहा हूँ, ये जो देख पा रहे हैं आप, हम इन दोनों पॉइंट को इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, एक कनेक्ट हो चुका है और ये वाला भी कनेक्ट हो चुका है। क्योंकि हम इसको अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम इसको कोई भी सेफ्टी टेप से हमने इसको कवर नहीं किया है। तो आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा अलग रखने के लिए इस तरह से इसको डिस्टेंस में कीजिए। और अब जो है, मेरे पास एक्सटेंशन कॉर्ड है, ये देखिए इसमें अभी करंट है। और ये जो प्लग है, मैं इसके अंदर दे रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि इस काम करता है कि नहीं। मैंने इसको अभी ऑफ कर रहा हूँ, अब मैं इसको दे रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ। और अब चलिए, हम इसमें स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसमें करंट आता है कि नहीं। अभी तक नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, इसलिए पहली बार नहीं चला था। तो चलिए, अभी हम फिर से इसको प्लग इन कर दिया है, देखिए इसमें। और अब हम टेस्ट करेंगे इसको कि देखते हैं। चलिए, सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने एक कन्वर्टर से, SMPS कन्वर्टर से, हमने एक बैटरी से चलने वाला एक इमरजेंसी लाइट को हमने डायरेक्टली करंट पे हम चला पा रहे हैं। ये देखिए, ये बस दुख हमने कनेक्शन किया है। और आप इसको अपनी मनमर्जी की तरह, जहाँ पर आपका इच्छा हो, आप वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़े बस एक SMPS की। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा इस चैनल पे। तो तब तक के लिए चलिए फ्रेंड्स, टाटा एंड बाय।